फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो किनेमास्टर यूज़ करता हूँ, अगर वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोमनाथ और अगर आप ऐसे सिनेमैटिक मैप जूम इफेक्ट देना चाहते हो अपनी वीडियो पे तो इस वीडियो को एकदम आखिर तक देखते रहिए गाइस। आज मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप सिनेमैटिक मैप जूम इफेक्ट कर सकते हो किनेमास्टर की मदद से। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है तो वीडियो को जोर से लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। तो चलो यार, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको गूगल अर्थ को डाउनलोड कर लेना होगा गूगल प्ले स्टोर से और आपको सर्च कर लेना होगा अपने रोड जिस पे आप कार लेके शूट करे हो, ठीक है, करके वीडियो बनाए हो, ठीक है। तो मैं जल्दी से मैं मैप पे ढूंढ लेता हूँ मेरा रास्ता, मेरा रोड, ठीक है। और गाइस, आपको बार बार जूम इन जूम आउट करना है ताकि इस ऐप की जो पिक्सल है वो ना फटे जब आप जूम करेंगे बाद में, ठीक है। तो मैं ढूंढ लिया हूँ मेरा जो रोड है वो ढूंढ लिया हूँ। उसके बाद रोड के ऊपर थोड़ी देर प्रेस करके रखने पर, टैप करके प्रेस करने रखने पर ये जो देखिए रेड मार्क हो गया ना, ये आ जाएगा, ठीक है। और आपकी नेट की जो स्पीड है वो थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब मार्क होने के बाद आपको क्या करना है देखिए, तो ये मैं सही जगह पर कर देता हूँ मार्क। अब मार्क होने के बाद आपको क्या करना है देखिए, थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लीजिए, उसके बाद एकदम छोटा कर लीजिए, ठीक है, अपनी पृथ्वी को एकदम छोटा कर लीजिए। उसके बाद वो जो रेड मार्क है उसके ऊपर डबल टैप करने के बाद ये जूम इफेक्ट आ जाएगा। आने के बाद देखिए ये हो गया अपना वीडियो तैयार। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये बड़ा चीज़ स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर से किनेमास्टर में जाते हैं, और प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे जाते हैं। मीडिया पे जाने के बाद जो अपना रहा भाई गूगल आर्ट वाला वीडियो है कि देखो स्क्रीन रिकॉर्ड करना करा हुआ, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो मेन पार्ट है हमारा, ठीक है, जो आर्ट जो हमारा जूम हो रहा है जो मेन पार्ट है हम उसको क्रॉप कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ ताकि आपकी टाइम ना वेस्ट हो और आपको भी पता चल जाए कि भाई क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रिम करने के बाद हमारी जो कार वाला जो वीडियो है ना उसको चूज़ कर लेना होगा, उसको सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट कर लेना होगा। इधर इंपोर्ट करने के बाद आपको देखिए अपनी जो कार वाला वीडियो है आप जितना रखना चाहते हो वो ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। मैं भी कर लेता हूँ जल्दी से फटक से ट्रिम, तो ये मैं इधर से रखने वाला हूँ, तो ये मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रिम करने के बाद इसका जो साउंड है इसको ऑफ कर लेता हूँ और एक बार मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ कि भाई नहीं चलाकर नहीं, पहले आपको क्रॉपिंग में जाना है। फास्ट वाला जो हमारा आप जो वीडियो है ना उसको क्रॉप करेंगे, एकदम ऐसे रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद इक्वल के बटन पर क्लिक करेंगे और एक बार चलाकर मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। ये फुल स्क्रीन करना चाहिए, ये फुल स्क्रीन नहीं होगा, ठीक है, तो इसको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। हमारे जो फुल स्क्रीन वाला है ना उस पर फिर से क्रॉप पे जाएंगे और भी जूम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन हो जाए और देखने में बहुत अच्छा लगे यार, ठीक है। सभी चीज़ ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ठीक है, ये हो गया, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। एक बार चला कर मैं दिखाता हूँ, ओके ओके। देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है देखिए, और ये जो स्पीड धीमी हो रहा है ना तब भी आपको इधर से ट्रिम कर देना होगा, राइट साइड को ट्रिम कर देना होगा, ठीक है। तो एक बार और मैं चलाकर दिखाता हूँ कि भाई, उसके बाद आपको ट्रांजिशन इफेक्ट में जाना है। ट्रांजिशन इफेक्ट पे जाने के बाद एक्सेलरेशन जो हमारा इफेक्ट है ना उसको सिलेक्ट करना होगा। आपको गेट मोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद स्पीड इन जो इफेक्ट है ठीक है उसको सिलेक्ट करके आपको 0.5 रख देना है टाइमिंग, ओके। रखने के बाद मैं एक बार चलाकर फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसा लग रहा है, आपको कौन सा इफेक्ट देना है एकदम सही से, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, ये जो स्पीड है तब भी आना चाहिए ये इफेक्ट को, ठीक है, तब भी स्टार्ट होना चाहिए हमारी वीडियो को,
जो रोड वाली वीडियो है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो इसको मैं फिर से एक बार चला कर दिखता हूँ। भाई आपको यही सही चीज़ करना होगा, सही तरीके से करना होगा, नहीं तो बहुत ही बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और ट्रिम कर देंगे और देखेंगे भाई क्या हो रहा है। ओके, देखते चला कर। देखिए ये एकदम परफेक्ट हुआ, ठीक है, एकदम परफेक्ट हुआ। तो आपको भी ऐसे परफेक्ट आपको कर लेना होगा, अपनी वीडियो को बना लेना होगा। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली सेम बटन पे क्लिक करके आपको अपनी वीडियो को अब सेव कर लेना होगा अपने गैलरी में। तो आए गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप सिनेमा की तरह आप मैप जूम इफेक्ट दे सकते हो अपने वीडियो पे। तो आए गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। गाइस बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ और मेरा बहुत सारा दोस्त की यार 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ। तो जल्दी से यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, देखो यार बहुत मेहनत करते हो एक वीडियो के लिए। तो चलो यार सब्सक्राइब करो और चैनल को यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।